नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एचसीएन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 90 फीट टावर पर चढ़े युवक ने प्रशासन की उड़ाई नींव। लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट परिसर में टावर पर चढ़ा युवक 7 घंटे के बाद अपनी मां के कहने पर टावर से नीचे उतरा। युवक दोपहर करीब 3 बजे अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम कार्यालय के सामने लगे 90 फीट ऊंचे टावर गोला गोकर्णनाथ के द्वारकागंज गांव का निवासी देशराज नामक युवक टावर पर चढ़ गया। मौके पर प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन युवक को नीचे उतारने में एडी चोटी का जोर लगाते रहे, लेकिन युवक टावर से नीचे नहीं उतरा। वहीं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने युवक की सेफ्टी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एम्बुलेंस और टावर के चारों तरफ जाल बिछाया, जहां टावर पर चढ़े युवक की पत्नी को भी बुलाया गया, लेकिन पत्नी के लाख कहने के बावजूद देशराज टावर से नीचे नहीं उतरा। वहीं आला अधिकारियों के कहने पर देशराज की मां श्यामवती को बुलाया गया, जिसके बाद मां श्यामवती के कहने पर देशराज 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतरा, जहां टावर पर चढ़ने वाले युवक की मां श्यामवती ने बताया कि उनका बेटा देशराज दिमागी रूप से बीमार है। बात जो है इंदौर में है, चढ़े रहे हैं। परिवार में कोई विवाद है क्या, कुछ ऐसा है? विवाद कुछ नहीं है, खाली को कोठा गरम है। का दिमाग दिमाग से परेशान है? हाँ, दिमाग का। अच्छा हाँ। तो वो कहे चढ़ जाते हैं हर बार। हाँ। और माता जी नाम क्या है आपका? हमारा हाँ। श्यामवती। श्यामवती हाँ। आपका बेटा था ये? हाँ। अच्छा, और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एचसीएन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एचसीएन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।